प्रदेश में अनुबंध पर लगे हुए चिकित्सा अधिकारियों को 150% ग्रेड पे को बंद किए जाने पर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ के समर्थन में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन हमीरपुर ने काले बिल्ले लगाकर अपना कामकाज निपटाया। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि डॉक्टरों के वेतन को काटना तर्कसंगत नहीं है और इसका पूरे जोर से विरोध करते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को 150% ग्रेड पे नहीं दिए जाने पर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने मोर्चा खोला है और संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार यदि अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो पहले पूरे प्रदेश के डॉक्टर काले बिल्ले 9 अगस्त तक लगाएंगे, फिर एक सप्ताह तक 2 घंटे पेन डाउन हड़ताल, यदि सरकार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन हमीरपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक ने कहा कि अनुबंध डॉक्टरों को 150% ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है, जो कि तर्क संगत नहीं है, और इस मुद्दे पर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की मांगों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर को कोरोना काल में योद्धा का दर्जा दिया गया और केवल उनके ग्रेड पे बंद करना उचित नहीं है और सरकार को इस मुद्दे पर अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को 150% ग्रेड पे जारी करनी चाहिए। ये मुहिम जो है, जो हमारी ब्लैक बैचेस की मुहिम है, ये हम स्टेट HMO की जो कॉल आई थी हमें, उसके लिए हम इसकी सॉलिडेरिटी के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। और विषय ये था कि जो हमारे डॉक्टर्स की ग्रेड पे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स डॉक्टर थे उनकी ग्रेड पे में कमी कर दी गई है और बाकी जो स्टेट के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थे उनका स्टेटस वैसे ही मेंटेन रखा गया है। तो हम इसको बिल्कुल तर्कसंगत नहीं मान रहे हैं। इस टाइम में, कोरोना के पैंडमिक के टाइम में, आप डॉक्टर्स की और हेल्थ जो सर्विसेज दे रहे हैं उनकी आप अगर पे इस तरह से कम करेंगे तो ये बहुत ही गलत सा मैसेज आएगा और उनको काफ़ी हतोत्साहित करेगा यंग डॉक्टर्स को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। आगे जो है वो स्टेट एसोसिएशन HMO के साथ और विभिन्न रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथ मिलकर जो है नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचा जाएगा। मे भी अगर थोड़े दिन पेन डाउन स्ट्राइक या इस तरह के कदम उठाने पड़ जाएँ तो वो भी उठाने पड़ सकते हैं अगर सरकार जब भी ना मानी। मैं पूछना चाहूँगा सरकार को कि एक तरफ तो उन्होंने, आप देखिए कि आपके जो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा जैसे, वो डॉक्टर्स को डबल पे कर रहे हैं इस टाइम में और आप इस टाइम में जो डॉक्टर्स की पे वो घटा रहे हो, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। आई काइंडली इस डिसीजन पे ठीक कीजिए, वर्क अपॉन कीजिए और आई होप हम कुछ सरकार से एक बेटर रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।